दोस्तों, आपके स्मार्टफोन के अंदर एक प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिल रही होगी। आप जब नोटिफिकेशन इस तरीके से पैनल को नीचे करते होंगे या फिर यहाँ स्वाइप करते होंगे नीचे, ठीक है, ये स्वाइप डाउन होता है, ठीक है, और किसी स्मार्टफोन में नीचे से भी होता है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से ये देखो स्वाइप डाउन हो रहा है, लेकिन आपके स्मार्टफोन में इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, यानी कि आप भी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर स्वाइप डाउन कर रहे हैं, मेन्यू है वो नॉट वर्किंग है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक नहीं, सॉरी, यहाँ नीचे करता हूँ तो ये मेन्यू वर्क ही नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर करूंगा और यहाँ पे प्रॉब्लम को भी फिक्स करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये जो नोटिफिकेशन पैनल होता है, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं इसे, ये सेटिंग का ही एक हिस्सा है, आपकी मोबाइल की जो सेटिंग है उसका एक हिस्सा है। अब सेटिंग में ये प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन का जो पावर वाला बटन है उसे आप दबाएंगे, ठीक है। नंबर एक तो आपको सबसे पहले ये करना है, फ़ोन को सबसे पहले आप रीस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले रीस्टार्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक फ़ोन ऑन होगा, कोई डाटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेना आपको। उसके बाद आपका फ़ोन जब ऑन होगा तो आप अपनी मोबाइल की सेटिंग को दबा के रखेंगे, यहाँ पे ऐप इन्फो खुल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको उसे फोर्स स्टॉप करना है, जैसे ही फोर्स स्टॉप करेंगे वार कर देगी आपको, फिर से आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टोरेज यूज, इस पर क्लिक करेंगे, आप क्लियर कैच करेंगे, क्लियर डाटा भी आप कर देंगे, फिर से ये आपको बाहर कर देगी सेटिंग, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में जब सेटिंग आपकी ऑन हो जाए तो सेटिंग को आप ऑन कीजिए। जैसे आप सेटिंग को ऑन करेंगे, सेटिंग का एक ऊपर सर्च बार होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डालना है रीसेट, रीसेट सिस्टम सेटिंग ऑनली, ये देख सकते हैं आ गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, रीसेट सिस्टम सेटिंग को जो भी आपने पैटर्न डाल रखा है वो डाल दीजिए, उसके बाद अपनी सिस्टम सेटिंग को रीसेट कर लीजिए, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। कुछ ऑप्शन ऑन हो जाएंगे आपके इस फोन के अंदर, वो बंद कर दीजिए, ऐसे डाटा ऑन हो जाएगा, वाईफाई ऑन हो जाएगा, तो बंद कर दीजिए उन्हें, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होगा और आपकी प्रॉब्लम 1% है, 110% सही हो जाएगी। और सेटिंग में जाके आपको एक काम और करना है, अपने मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको देख लेना अपडेट है कि नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ डालेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ही क्षणों में शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो हो गया, इस पर क्लिक करेंगे, अब सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका ये नोटिफिकेशन पैनल है ये नीचे की तरफ इस तरीके से फोर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर मेरे बताए हुए स्टेप आप फॉलो करते हैं 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई डाटा डिलीट नहीं हुआ, कोई फोटो डिलीट, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, घबराने की कोई बात नहीं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।